हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन ने प्रदेश की जयराम सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। पेंशनरों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पेंशनर एसोसिएशन का राज्य स्तरीय सम्मेलन सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में हुआ, जिसमें पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया गया। पेंशनरों का कहना है कि पेंशनरों से जुड़ी मांगों को कई बार मौजूदा सरकार के सामने एसोसिएशन द्वारा उठाया गया है, मगर सरकार द्वारा इस पर गौर नहीं किया जा रहा है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2018 में सुंदरनगर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में एसोसिएशन को आश्वासन दिया था कि जल्द प्रदेश में JCC का गठन किया जाएगा ताकि पेंशनर अपनी मांगों को आसानी से उठा सके, मगर आज तक JCC का गठन नहीं हुआ है। पेंशनर एसोसिएशन की मांग है कि 5-10% व 15% पेंशन भत्ते को अतिरिक्त पेंशन में बदला जाए, साथ ही 80 साल की आयु पूरी कर चुके पेंशन धारकों को भी पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ दिए जाएं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रदेश में 1 जनवरी 2006 से न्यूनतम पेंशन को प्रदेश सरकार लागू नहीं कर रही है। आरोप ये भी है कि प्रदेश में समय पर मेडिकल बिलों का भुगतान पेंशनरों को नहीं किया जा रहा है, जिससे कई तरह की दिक्कतें पेंशनरों को पेश आ रही हैं। इन समस्याओं को हमने सरकार के समक्ष रखा है और लगभग 1.5 साल हो गया है, इन पर कोई भी कार्रवाई हो नहीं रही है सरकार की तरफ से। और मुख्य मांगें जो हमारी हैं उनमें 5-10-15% पेंशन अलाउंस को एडिशनल पेंशन में बदलना है जो पंजाब के आधार पर है। इसके अतिरिक्त 80 साल की आयु से ऊपर वाले जो हैं उनको भी पंजाब के आधार पर एडिशनल पेंशन देने का प्रावधान करने बारे हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। कुछ और डिमांडें हैं, जिस तरह के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है और मिनिमम पेंशन 1-1-6 से देने के बारे में पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आदेश किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो भी सरकार अभी उसको लागू नहीं कर रही है। सुंदरनगर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपको मांगों के बारे में चर्चा के लिए शीघ्र शिमला बुलाएंगे, क्योंकि वित्त विभाग और हमारे गणना में अंतर बहुत था। वित्त विभाग कहता था 100 करोड़ रुपया इन्वॉल्व्ड है और हम कहते थे 2-2.5 करोड़ रुपया मासिक खर्चा बैठता है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आपको शिमला बुलाएंगे, लेकिन आज तक ना शिमला बुलाया। और JCC के गठन के बारे में आश्वासन दिया था कि ये तुरंत कर दी जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं की गई है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।